अस्सलाम खवातीन हज़रात एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई मैंने अपने व्लॉग्स में कई मरतबा बिहाइंड द सीन्स के व्लॉग बनाए, मतलब ये दिखाया कि हम लोग शूट कैसे करते हैं, कि भाई हम कैमरा प्लेसमेंट क्या होती है और किस तरह सिचुएशंस को लेके चलते हैं, लेकिन कभी भी आपको पूरा प्रोसेस नहीं बताया कि भाई ये पूरा प्रोसेस होता कैसे। मतलब हम द इडियट्स जो है वो एक स्क्रिप्ट जब बनाते हैं तो उसके पहले पीछे क्या मेहनत होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, हम हैं टोटल तीन लोग, हम्माद, फैसल और काशान। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर जुड़ने की कोशिश की है पीछे से कि भाई हम भी देख रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, हम टोटल तीन हैं और जो है इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। तो हम इसमें ना अपने काम डिवाइड किए हैं हम लोगों ने कि हमारा तो कुछ काम है, फैसल का कुछ काम है और मेरा कुछ काम। वैसे तो हम तीनों के काम ऐसे हैं कि वो दूसरे के कामों में इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्वमेंट है उनकी कि भाई थोड़ा सा उसको कुछ बता दिया, इसका कर दिया, लेकिन हर बंदे के अपने अपने स्पेसिफिक कुछ काम भी हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो है ना मिलते हैं चाय के होटल पे, कहीं भी हम आते घर चले गए और हम आइडिया जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले सोचते हैं कि हमें बनानी किस पर है। मिसाल के तौर पर रमज़ान आने वाले, तो यार शैतान सीरीज़ जो है ना वो मैं आपको हमें सोचनी है, वो हम 10 मरतबा बना चुके हैं, अब कोई नया आइडिया होना चाहिए क्या करते हैं। आइडियाज़ कभी फैसल बताता है, कभी मैं बताता हूँ, कभी अम्मा बताता है, रिजेक्शन, उनमें से फिर कोई एक चीज़ पिक कर ली और इस तरह से कहानी डेवलप होना शुरू होती है। वहीं खड़े खड़े जो है ना बेसिक थीम बना लेते हैं कि यार कहानी ये होगी, स्टार्टिंग ये होगी, बीच के अंदर उसकी लंबाई कैसे होनी चाहिए, उसको किस तरह से हम ऑडियंस से खेलें और उसके बाद उसकी एंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई उसका एंड कैसे करें। क्योंकि हमारे साथ यूजुअली होता ही है कि हम ज़्यादातर स्टार्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं लेकिन जो उसकी एंडिंग है ना उसके अंदर बड़े कन्फ्यूज़ भी आते हैं, उस वजह से बहुत सारी वीडियोज़ रिजेक्ट भी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जो चीज़ है ना कि हम डिसाइड करते हैं और उसके बाद हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है द इडियट्स के नाम से, जिसमें हम तीनों हैं और उस पर हम वॉइस मैसेज कर देते हैं ताकि ये आइडिया और इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं, मतलब जो हम कॉमेडी उस वक्त जो खड़े खड़े आ रही होती है जब आइडिया सोचते हुए, वो चीज़ मिस ना हो जाए हमसे, तो वो हम वॉइस मैसेज कर देते हैं 3 मिनट का, 4 मिनट का, जितनी बड़ी भी स्क्रिप्ट होती है आइडिया होता है उस हिसाब से। अब यहाँ से काम शुरू हो गया हम्माद का। हम्माद भाई क्या करते हैं कि उसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं, क्योंकि भाई देखें अभी तो हमने आइडिया डिसाइड किया ना, लेकिन उसके अंदर सीन्स कैसे होंगे, उसके अंदर जो है फैसले क्या डायलॉग होंगे, काशान क्या डायलॉग होंगे, हम्माद क्या डायलॉग होंगे, सीन क्या होगा, तो वो पूरा हम्माद बनाता है। जैसे कि आप लोग ये मेरे सामने एक गूगल डॉक्स देख रहे हैं, ये पूरी एक स्क्रिप्ट है यूट्यूबर शैतान, जो एक वीडियो आ चुकी है, आप लोगों ने देख ली है, पसंद भी कर रहे हैं। ये देखें आप, इसके तकरीबन है कोई 7 पेजेस, ये हम्माद लिखता है और उसके बाद ये हमारे साथ शेयर कर देता है और ये एडिटेबल फॉर्म में होता है ताकि हम इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसका आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक ये जो स्क्रिप्टिंग की एक फॉर्मेट होता है, जाहिर सी बात है वो कंप्लीट तो वो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे इसके अंदर जो फॉन्ट फैमिली यूज़ हुई हुई है वो भी ज़्यादातर स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज़ की जाती है। हम सबसे पहले अपना टाइटल लिखते हैं, ये टाइटल आ गया। अच्छा, करेक्टर्स कौन कौन से होंगे इसमें, काशान जो है शैतान सरदार है, फैसल शैतान है उसका चेला, हम्माद भी शैतान है, फैसल की एक वाइफ है और एक्स्ट्रा शैतान्स हैं कुछ जो आप लोगों ने वीडियो में देखी होंगी। उसके बाद भाई आपने यहाँ पे एक थोड़ा सा ना उसका मूड बता दिया कि भाई वीडियो कैसे स्टार्ट होगी और यहाँ से ये पूरे इसके डायलॉग शुरू हुए और फिर जहाँ सीन चेंज होगा, सीन चेंजेस टू फैसल घर आया है, सामने बेगम बीवी बैठी हुई है। तो ये हम अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं और ये तकरीबन 7 पेजेस पर गई है और ये 7 पेजेस की स्क्रिप्ट जो है 15 मिनट की जाके रिकॉर्डिंग हुई है। उसकी जैसे उसमें स्लो मोज हैं, उसके अंदर मॉन्टाजेज हैं, तो ये एक हम्माद का काम होता है कि भाई ये लिख के बना देता है, दे देता है हम लोगों को कि भाई ये स्क्रिप्ट है, अब इसको तुम लोग देख लो, अगर इसको कुछ चेंज करना है। तो यूजुअली होता ही है कि क्योंकि आइडिया पहले से डिसाइड होता है तो उसके अंदर स्क्रिप्टिंग के अंदर इतनी चेंजेस नहीं होती। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है फैसल का। फैसल क्या करता है कि मैं भी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, फैसल भी पढ़ता है। अब फैसल इसमें से चीज़ें निकालता है, वो यानी फैसल का काम है अरेंजमेंट्स का, जितने भी अरेंजमेंट होंगी, चाहे वो लोकेशन हो, वार्डरोब हो या एक्स्ट्राज हो, कोई भी चीज़ चाहिए तो वो फैसल करेगा। अब जैसे ये शैतान है, शैतान में अब जैसे इसमें लिखे हुए नहीं है हमने प्रॉप्स, लेकिन वो हमें पता है कि भाई शैतान में उसके सींग होते हैं, जो सरदार है उसका एक हाथ होता है और बाकी सारे शैतानों के सींग होंगे, काजल लगा हुआ होगा,
और मुख्तलिफ मास्क होते हैं या कुछ किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, मतलब शैतानी माहौल, जाहिर सी बात है पूरी प्रोडक्शन तो वो वैसे नहीं करते हम लोग, लेकिन थोड़ा बहुत जो है शैतान वाला माहौल कैसे दिखा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। अब उसमें से कुछ चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं हम ख़रीदने आते हैं। जैसे फैसल अभी बताया उसको वो खोपड़ी नहीं मिल रही थी, अब जाहिर सी बात है आम दुकानों पर वो वैसी खोपड़ी नहीं मिलेगी, तो वो फिर गया था इम्प्रेस मार्केट के सामने जो पठान खड़े होते हैं वहाँ से वो ठेलों में से छान के उसमें से ढूंढ के जो है ना निकालना कि यार ये प्रॉप अच्छा लगेगा, ये गुड्डा अच्छा लगेगा, ये वो जो एक यूं करके एक लड़की नहीं बैठी हुई उसके अंदर वो बिल पतौड़ी जिसको कहते हैं अम्मा, तो वो अच्छी लगेगी, इस तरह की चीज़ें। फिर बंदे यानी फैसल की जो इसमें बेगम होगी उसको बात करना, नादिया से बात करना कि भाई इस दिन हमारी शूट है तुम आ जाओ, उसको स्क्रिप्ट देना, सही है। फिर जितने भी और लड़के हैं एक्स्ट्राज हैं या कोई दुकान करनी है, कोई लोकेशन करनी है, ऑफिस करना है या कोई घर करना है, ए टू जी जितनी भी अरेंजमेंट है वो सारी फैसल की हैं। जैसे इसके अंदर आपने देखी होंगी कि वो पीछे फ्रेम्स भी रखे हैं, फ़ोटो फ्रेम्स, तो वो पहले एक दिन गया उसको प्रिंट आउट कराया और उसके बाद जाके फिर वो पूरा आया। तो फिर आता है शूट डे। शूट डे तो आप लोगों ने देखा ही है कि भाई शूटिंग पे हम जाते हैं, सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो हम ये करते हैं कि कैमरा वैमरा, फैसल का काम ये भी है कि भाई अब तो मेरे पास कैमरा आ गया, नया हमने कैमरा ले लिया तो मैं मेरी जिम्मेदारी हो गई अब वो, वरना फैसल उस रात में बैटरी वगैरह चार्ज करता था और सारी चीज़ें देखता था कि भाई दोनों बैटरीज हमारी चार्ज हैं कि नहीं। तो यूट्यूब वाली में मैंने सारी बैटरीज चार्ज की। हमारा सबसे पहला काम ये होता है शूट पर जाकर कि भाई बैटरी लगा ली और उसके बाद हम माइक चेक करते हैं, क्योंकि हम बोया वाला माइक यूज़ करते हैं वो जो जिसमें छोटे से सेल लगते हैं, तो होता ही है कि कभी कभार वो सेल थोड़ा सा जो है ना वो बैटरी उसकी डाउन हो गई है, तो वो फिर वॉइस क्वालिटी वो नहीं रहती है, कभी कभी कम आ रही होती है, तो हम या तो यूजुअली चेंज कर देते हैं सेल या फिर जो है हम चेक कर लेते हैं कि भाई आवाज़ के लेवल्स वगैरह सही है। बस पहला शॉट देख लिया, उसके बाद फिर दो तीन शॉट्स देखते रहते हैं और बनाते रहते हैं। और स्क्रिप्ट ऐसी है कि भाई हमारी अब आदत हो गई है कि अगर 5-6 मरतबा हम एक सिचुएशन वाइज तोड़ लेते हैं, जैसे मेरा और फैसल का सीन है तो मैं और फैसल सामने सामने बैठ के प्रैक्टिस करते हैं कि भाई चल भाई प्रैक्टिस करते हैं फुल फाइनल, जैसे फील जो है ना, क्योंकि अब इसके अंदर स्क्रिप्ट में फील नहीं लिखी होती, कहीं कहीं फील होती, कहीं कहीं फील हमें खुद ही गैस कर लेते हैं कि भाई अच्छा भाई ये फील है, क्योंकि जैसे लिखा है ना हाँ भाई कितने गुना करवाए लास्ट मंथ, तो अब ये ऐसे नहीं होगा हाँ भाई कितने गुना करवाए, ये मुझे पता है कि मुझे कि मैं सरदार हूँ, तो मेरे जो फील है ना वो यही है कि हाँ भाई कितने गुना करवाए लास्ट मंथ, फुल याली भारी आवाज़ के अंदर। तो इस तरह से जो है ना वो हम समझ जाते हैं और उसके बाद जो है ना वो लाइन बाय लाइन स्क्रिप्ट वाइज हम चलते रहते हैं। बीच में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे भाई अगर लड़की वाला सीन है वो अभी नहीं हो सकता, वो शाम में होगा तो वो हम शाम में उसको वहीं रोक देते हैं और इस तरह से हम मूव ऑन कर जाते हैं। तो जब स्क्रिप्ट के लिहाज से जब चल रहे होते हैं ना तो शूट पे बड़ी आसानी होती है, वहाँ ऑन द स्पॉट खड़े होकर सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या डायलॉग दें, क्या फील आए, क्योंकि जब बंदा बाद में बैठा वैसे देख रहा होता ना वीडियो और अगर उसको वो ऑडियंस बड़ी, आप लोग जो है ना बड़े चालाक लोग हैं भाई, आप लोग समझ जाते हैं कि ये यहाँ पे भंड मार रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने काम किया है, वाकई मेहनत की है, तो जो है ना वो स्क्रिप्टिंग से जो है ना बड़ा जो है ना काम आसान आ जाता है। अच्छा भाई शूटिंग के अंदर, शूट में ये होता है कि भाई मेरा अगर सीन है मेरा और अम्माद का तो फैसल शूट करता है, फैसल का है तो मैं शूट कर लेता हूँ, अम्माद शूट कर लेता है, तीनों मिल मिला के शूटिंग कर रहे थे तो उसके अंदर कोई इतना इशू नहीं होता। उसके बाद आती है कहानी एडिटिंग की, वो आती है जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो उसके अंदर ये होता है कि मैं सबसे पहले शॉर्ट्स कॉपी करता हूँ, देखता हूँ कि भाई शॉर्ट्स में कोई मसला तो नहीं, एक दिन सिर्फ देखता हूँ कुछ एक आध घंटा लगा के मैं सारे शॉर्ट्स देखता हूँ कि भाई वो सब मसला है, कोई वॉइस में तो मसला नहीं, क्योंकि जब मैं एडिट करने बैठूंगा ना फील जब आ रही होगी उस वक्त कोई भरना आया तो फिर हटेगी। तो ये मैंने प्रोजेक्ट खोला हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये पूरी टाइमलाइन है वूफ करके ना, ये पूरी टाइमलाइन है उसकी शैतान की, और इस तरह से ये पूरी एडिट हुई, एक एक शॉर्ट, ये इसकी फील के ऊपर जो है जंप शॉट लगा है, नीचे म्यूज़िक है, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर ये यहाँ पर मॉन्टाजेस लगे हैं, तो इस तरह कर करके जो है ना ये एक पूरी फील आ जाती है, वीडियो बन जाती है, और फिर ये वीडियो का रेंडर निकाल के मैं दे देता हूँ, अनलिस्ट करके अपलोड कर देता हूँ, हम हाथ फैसल देखते हैं कोई चेंज होता है तो बताते हैं कि भाई यार ये चेंज कर ले, मज़ा नहीं आ रहा, ये म्यूज़िक सही नहीं है, और यूट्यूब को भी दिखाते हैं हम कि भाई देख ले इसमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं मारेगा। कभी कभार ये होता है, मैंने अपना एक फोल्डर बनाया हुआ जिसमें सारे वाले म्यूज़िक हैं जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आते, तो मैं उसी में से ज़्यादातर यूज़ करता हूँ और उसके अंदर एडिशन भी करते रहते हैं भाई, अब थोड़ा जो है ना वो रिसर्च भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि फिर आप एक ही म्यूज़िक लगाते रहो तो फिर आपके अंदर से भी ना वो मज़ा नहीं आता कि यार अबे यार ये म्यूज़िक कुछ नया करो, तो फिर उसके अंदर मैं एडिशन करता रहता हूँ और यूज़ करते रहते हैं तो उसमें स्ट्राइक नहीं आती। तो इस तरह से जो है कि ये वीडियो एक कंप्लीट हो जाती है, और ये एक शैतान सीरीज़ का ब्रेकडाउन था, या कोई भी वीडियो आप इसको एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि भाई हम इस तरह से जो है ना
ये हमारा एक प्रोसेस होता है कि फ्रॉम स्क्रैच टू क्या कहते हैं रिजल्ट, कि भाई ये हमारी जो है ना फाइनल प्रोडक्ट बनी है, और इस तरह से हम फिर वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखते हैं और आप लोग इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये व्लॉगिंग और इस तरह की चीज़ों में तो इतना वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व नहीं होती, ये जो स्किट्स होते हैं इसके अंदर काफ़ी बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं। तो थैंक यू सो मच, हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो चुके हैं, और ये काम तकरीबन हमने कोई 4-5-6 साल से शुरू किया। उससे पहले स्क्रिप्टिंग भी दिमाग में होती थी, अरेंजमेंट भी दिमाग में होते थे, एडिटिंग भी दिमाग में होती थी, कैमरा वर्क भी दिमाग, सब दिमाग में होता, तो शौक़ था तो चल पड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को अभी तक सपोर्ट करने का, आगे भी सपोर्ट करिएगा, और शैतान से जिसको आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, चलो शाबाश कटो।